के ऊपर बैठे हुए सभी बड़े कवि और मेरे सामने भगवान महावीर की अन्यतम भक्तों को हिंदी निर्वाचित परंपरा की ओर से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। या तो आपके आंगन में खेलता हुआ वो अघोर बालक नन्हा खेल सकता है जो अभी पाप और पुण्य की दुनिया को जानता नहीं है, या जय समाज का वो साधु नन्हा घूम सकता है जो पाप और पुण्य की दुनिया से बहुत ऊपर उठ चुका है। पहली चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। दो हास्य कवियों के पढ़ने के बावजूद भी यहाँ जो संजीव की इस मंच पे छाई थी, मुझे उम्मीद है वो टूटेगी और मैं आपके स्वर में आऊंगा, आप मेरे स्वर में आओगे। यही कवि का कर्तव्य है कि पहले वो श्रोताओं के स्तर पर उतरे और फिर श्रोता उसके स्तर पर आए। मैं पहली चार पंक्तियां आपके सामने पढ़ रहा हूँ, अगर आपको कहीं अच्छा लगे तो आ और वहां करते रहिए। हौसले को सलाम करता हूँ, हौसले को सलाम करता हूँ, आपका एहतराम करता हूँ, प्यार से जो बुलाया है मुझे आपको जिम्मेदारी है कि वो भी तालियां बजाते रहे, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि एक खबर छापी सुबह के अखबार में रात भर नाची नर्तकी अनुभव के दरबार में। जब मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ, होली का उत्सव है, होली के ऊपर गीत सुनाता हूँ। ये है रंगों का त्योहार, ये है रंगों का त्योहार, जब तक शब्दा नहीं बजाऊंगी मैं एक ही लाइन पढ़ूंगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। आपको ये एक मिनट में आपको सुनाता हूँ, इससे हम लोग वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आप सब इस बात का भ्रम है कि आपकी युवा पीढ़ी अपने पद से भ्रष्ट हो रही है। मैं उस युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सब के सम्मुख इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि वो युवा पीढ़ी आपके संस्कारों का, आपकी दी हुई शिक्षा का इतना मान रखती है और उसी दी हुई शिक्षा और संस्कारों के बदले में वो अगर अपनी प्रेमिका से अपनी महबूबा की बात करती है तो वो इस मुल्क की भी बात करना जानती है। मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ। किसी भी व्यक्ति का जन्म महत्वपूर्ण नहीं होता, उसकी मृत्यु महत्वपूर्ण होती है। पंजाब के नाल शहर से 40 किलोमीटर दूर खड़गल कला गाँव में एक बच्चा पैदा हुआ, तो सामान्य बच्चे की तरह पैदा हुआ, लेकिन जिस दिन वो बेटा मरा तो दुनिया की माओ ने एक ख्वाब देखना शुरू कर दिया कि मेरी कोख से भगत सिंह जैसा बेटा। विजय घोष जय हिंद के हो, अभियान बान और शान से देश हमेशा गिरी रहेगा, वीरों के बलिदान
अभी ऐसी कोई हथकड़ी नहीं बची है जो मुझे जिंदा के अधिकार दे सके। और मेरी माताएं बहने बैठी है, इस देश में आप महिला सशक्तिकरण के नाम पर 17 वर्ष की सालिया भटका नाम लिया जाता है, जिसकी एक दिन हिट हो जाने पर वो इस देश की महिला सशक्तिकरण है। मैं आप सबकी जिम्मेदारी में, आप सबकी उपस्थिति में इस मंच की जिम्मेदारी भगवान महावीर का आशीष देते हुए कहना चाहता हूँ, इस देश में महिला सशक्तिकरण का नाम है तो उस 17 साल की नई नवेली बहू का है जो 7 महीने का बच्चा गोद में लेगी, अपनी पीठ पर बांध रखी है, एक हाथ में घोड़े की नाक नागेल है और दूसरे हाथ में तलवार है और युद्ध करती जा रही है और कह रही है कि जब तक मेरे शरीर में एक बूंद रक्त की है अंग्रेजों की औकात नहीं हो जाएगी। रहीम काम खाना तो अकबर ने कहा कि आप जाइए रहीम साहब और तुलसी जी से कहिए कि वो भी अपने दरबार में आ जाए। वो रहीम जी से उनकी मित्रता थी, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि जलाउद्दीन अकबर का ये आदेश है कि आप भी उस दरबार में आ जाइए, आपको बहुत सारा पारितोषिक मिलेगा, आप अपनी रचना लिखिए। आपने जीवन में इस अवधि में लिखकर इस चित्रकूट में अपना जीवन व्यतीत कर दिया है, हो सकता है आपका बुढ़ापा सुधर जाए, आप अकबर के दरबार में आ जाए। लेकिन वो सनातन धर्म का वो संभाग बाबा तुलसी, उसने अपनी उसी अहंकार और उसी स्वाभिमान के साथ ये कहा कि मैं अकबर के दरबार में नहीं जाऊंगा। उसने दोहा लिखा कि तुलसी अपना होंगे, तुलसी अपना होंगे, नट्य मन श्रद्धा हम तो उसके याद है जो कहिए उसका। तब मैं उस मंत्री भूमिका आपके सामने जितनी देर भूमिका बनाई है इसका मतलब आप ताजे बताते हो कि हम भगत गांधी की उत्तम परंपरा के तुलसी पीरा का मित्रता की पावन पुण्य धरा के सीते की इस देश की मिट्टी को माते से तिलक लगाए के जान गवा कर इस देश की मिट्टी में मिल जाए के टूट न पाए मर्यादाए भारत के भाग्य सुना कहा की सुना रहा हूँ अपने हिंदुस्तान की जय 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 हिंदुस्तान जय 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 हिंदुस्तान जय 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 हिंदुस्तान जय 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 हिंदुस्तान। एक बार अपने लिए जोरदार ताले बजा दे आपने सुना है और अंत में मैं कश्मीर के ऊपर अपना जगह दूंगा। देश में बहुत बड़ा वायरल है कि कश्मीर फाइल से फिल्म आई, आपके अंदर संवेदनशीलता सबसे ज्यादा पाई जाती है। 1990 के अंदर अपने ही देश में लोगों को बाहर निकाल दिया गया, अपने ही देश में लोग बेदर्दी का दबाव सह रहे थे, मासूम मासूम बच्चों को गुड़िया बच्चों को गोलियों से भूना जा रहा था। उन कश्मीरी पंडितों के नाम एक कविता मैंने आप सबके आदेश से लिखी है, देश में बड़ी वायरल हो रही है। आप सबका अगर आशीष हुआ तो वो कविता मैं आपको सुनाऊंगा। आपकी तालियां नहीं चाहिए, आपका शोर शराबा नहीं चाहिए, लेकिन आपकी खामोशी मुझे जरूर चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सब संवेदनशील लोग हैं, आप सब कार्मिक लोग हैं, आप सब दूसरों को दुख में देखकर अपने आप को दुख में महसूस करते हैं। तब मैं वो गीत पढ़ रहा हूँ, मुझे तालियां नहीं चाहिए लेकिन आपकी कामना चेतना मुझे जरूर चाहिए। और मैं इस मेरे इस मंच के ऊपर से आज भगवान महावीर के इस मंच के ऊपर से अगर कोई कश्मीरी पंडित की असल दास्तान कोई कश्मीरी पंडित इस्माइल के माध्यम से सुना रहा हो तो आप मुझे आशीष दीजिए, मेरे भी मुखा तालियों से मेरा दामन करके मुझे विदा कर दीजिए। कश्मीरी पंडित की पढ़ रहा है, स्वागत है दादा। कि मेरे भारत की तरह अखंडित हूँ मैं, जुल्म हो चोट से राज दंडित हूँ मैं, मेरे भारत की तरह अखंडित हूँ मैं, जुल्म हो चोट से राज दंडित हूँ मैं, बस यही तो सता मेरी मुल्क में क्या करूं।
आपका शुक्रिया